नमस्कार, सीजन स्पेशल 24 में आप सभी का स्वागत है। हमारी जिद है कि हम आपको सच दिखाएं, इसलिए कहते हैं सबकी बात सच के साथ। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो चिट फंड कंपनी निकली। जी, आपको बताएं, आपको बताना चाहेंगे कि आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करें तो इस कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें, एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है BN गोल्ड रियल इस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड और BNG ग्लोबल चिट फंड कंपनी। इसके एक डायरेक्टर बालोद पुलिस की गिरफ्त में है। पूर्व में दो डायरेक्टर को बालोद पुलिस द्वारा गिरफ्त किया गया है। आपको बता दें, बालोद जिले के 3,458 निवेशकों से कुल 14,26,56,728 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आरोपी डायरेक्टर और कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के रुपये वापस की कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में ग्राम भेड़िया नवागांव निवासी पार्थी मोहनलाल साहू पिता जेठू राम साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि BN गोल्ड रियल इस्टेट एंड एलाइट लिमिटेड और BNG ग्लोबल कंपनी के आरोपी डायरेक्टर गुरुविंदर सिंह संधू पिता चरणजीत सिंह संधू और अन्य डायरेक्टर के द्वारा राशि जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर रुपए जमा करवाया गया और वर्ष 2017 में मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बनकर भाग गए थे, जिसे उप निरीक्षक अमित तिवारी, आरक्षक योगेश सिन्हा, आरक्षक प्रवीण साहू, आरक्षक पुरुषोत्तम यादव और आरक्षक सोवित मारगांव को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजकर आरोपी गुरुविंदर सिंह संधू को 21 जून 2021 को न्यायालय पेश किया गया। छत्तीसगढ़ जिला वालों से अरुण उपाध्याय की खास रिपोर्ट, देखते रहिए सीजन प्लस 24। के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी का लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी चिट फंड कंपनी के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी की गई थी। इसी तारतम्य में दो डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। पहला है BN गोल्ड रियल इस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड तथा BNG ग्लोबल चिट फंड कंपनी का डायरेक्टर गुरविंदर सिंह संधू की गिरफ्तारी की गई है। थाना बालोद में BN गोल्ड कंपनी के विरुद्ध दो अपराध दर्ज किए गए थे और इस कंपनी के द्वारा जिला बालोद के 3,458 निवेशकों से कुल 14,26,56,728 रुपए की ठगी की गई थी। इनके द्वारा पैसे डबल करने के नाम से और प्लाट डेवलप करने के नाम से रुपए लिए गए थे, परंतु निवेशकों को उनके रुपए प्राप्त नहीं हुए। अपराध दर्ज करने के पश्चात से आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें कि दो डायरेक्टर्स आरोपी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है, जिनके नाम हैं संजय नंदवार और सचिन दामोर। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज गुरविंदर सिंह संधू पिता चरणजीत सिंह संधू, उम्र 42 वर्ष, मूल निवासी ग्राम पिंडोरी निजरन जालंधर पंजाब, वर्तमान पता प्लाट नंबर 24 टावर इनक्लेव फेस 2 बड़ाला चौक गुरुद्वारा के सामने जालंधर पंजाब की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को बड़वानी जेल में निरुद्ध सूचना मिली थी, जिस पर से माननीय न्यायालय के द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया था और प्रोडक्शन वारंट के तहत आरोपी को बालोद मिलाकर इसकी गिरफ्तारी की गई है। कंपनी की जो संपत्ति है वह अलग अलग जगहों में है। जैसे इसने बताया है कि इस कंपनी की चल अचल संपत्ति छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इसकी जमीन है। डायरेक्टर की तथा कंपनी के जो चल अचल संपत्ति है उसकी जानकारी लिया जाकर कुर्की कार्रवाई की जाएगी तथा निवेशकों के रुपए वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। इस BN गोल्ड कंपनी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, कोरबा, बेमेतरा, मुंगेली, कांकेर, महासमुंद में भी कई अपराध दर्ज हैं। प्रकरण के जो अन्य डायरेक्टर शेष हैं उनके भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा पूरा प्रयास जारी है। जिला बालोद पुलिस द्वारा चिट फंड कंपनी के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी कार्रवाई लगातार की जा रही है। लास्ट ईयर भी गिरफ्तारी हुई थी, इस साल भी गिरफ्तारी की गई है। उसी क्रम में इंडसवियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर प्रिंस राणा पिता शीतल प्रसाद राणा, उम्र 43 वर्ष, निवासी नौगढ़, थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश को आज गिरफ्तार किया गया है। इस कंपनी के द्वारा
जो अभी प्राप्त शिकायत हैं उसमें 15 निवेशकों से 7,35,000 रुपये के धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें थाना बालोद में अपराध क्रमांक 281/21, धारा 420, 467, 468, 471, 406, 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह अपराध इसी वर्ष दर्ज हुआ है, तो इसमें अन्य निवेशकों के आवेदन प्राप्त होने शेष हैं। अन्य निवेशकों के आवेदन प्राप्त होने पर ठगी की रकम में वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकरण का जो आरोपी है उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही इसके विरुद्ध सिंगरौली मध्य प्रदेश में, रीवा मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, चंदौली उत्तर प्रदेश और औरंगाबाद बिहार में भी धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज है। इसके जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में जो अन्य आरोपियों की संपत्ति है उनको भी चिन्हांकन किया जाएगा। अभी वर्तमान जो डायरेक्टर गिरफ्तार है इससे पूछताछ करके इसकी संपत्ति की जानकारी ली जा रही है और संपत्ति की कुर्की करने के पश्चात निवेशकों को रुपए वापस दिलाने की कार्रवाई भी की जाएगी।